बीजेपी का हम कैंपेन्स एनालाइज कर रहे थे, डिजिटल कैंपेन्स स्पेशली, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, इन तीन स्टेट्स में, यहाँ पे किस तरीके से न्यूट्रल वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए बीजेपी ने अपना डिजिटल पेजेस, बहुत स्मूथ डिजिटल पेजेस इन्होंने चलाए, और इस डिजिटल पेजेस का केवल एक ही पर्पस था, उन लोगों का डेटा कलेक्ट करना जो कि आज के डेट में न्यूट्रल लोग हैं, पार्टी क्लियर नहीं है किस पार्टी की तरफ जाना है, बस ये बैठे हुए हैं कि जो कंटेंट इनको अच्छा लग रहा है, जो पार्टी अच्छी लग रही है, पार्टी भी हटाओ, जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं इन्हें, मान लीजिए कोई वीडियो आया, अब ये वीडियो कौन बना रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये वीडियो हमें अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ हमें बदलाव चाहिए, तो हम अपना डेटा वहाँ दे देंगे। ये फर्स्ट स्टेप है कि हाँ भाई हमें बदलाव चाहिए, हम साइन अप कर रहे हैं। उसके बाद अब ये डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है, जो भी बैकएंड पे कलेक्ट कर रहा हो, कैंपेन टीम जो भी है, उस अब वो उसको कैसे यूज करती है, वो सेकेंड स्टेप है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से अभी इन हाल में हुए चुनावों में, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मध्य प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट थी, और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो इन तीनों जगह पे बीजेपी ने क्या क्या किया, कैसे कैसे अपने ये न्यूट्रल पेजेस चलाए, इनको समझते हैं। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ में इनका है अभियान, ठगेश के कारनामे, भूपेश बघेल का ठगेश नाम इन्होंने रख दिया, आरोप पत्र, एंथम, मीडिया, छत्तीसगढ़ की आवाज़, संकल्प लें, राइट, करप्शन नाथ। तो एक दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे समझो, मतलब ये बीजेपी का कैंपेन है, ये तो हम आपको स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आप अदरवाइज नॉर्मली इस वेबसाइट को आके देखते हो तो आपको क्या लगता है कि ये किसी ने बनाया है, किसने बनाया है, ये सब आपको कुछ नहीं पता है, कौन क्या कर रहा है ये सब कुछ भी नहीं पता है आपको, आपको जस्ट ये पता है कि इसमें कमलनाथ जी को करप्शन नाथ बोला गया है, एज अ चेहरा आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। इस वेबसाइट का प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में होगा। एमपी की अगर हम बात करें तो इस वेबसाइट को एमपी में पिछले 3 महीने में इस वेबसाइट पे 62 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, 60 लाख से ऊपर। इसका मतलब है हर महीने लगभग 21-22 लाख रुपए पूरे मध्य प्रदेश में इसको प्रमोट करने के लिए खर्च किया जा रहा है, जा रहा था मतलब 30 नवंबर तक, जिससे कि वहाँ के लोग अपना इसमें डिटेल्स फिल करें। तो आप एक वेबसाइट बनाते हो, आसान सी, देखने में आई प्लेजेंट लगे, आंखों में बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़े, और उसको लोगों के बीच प्रमोट करते हो, झूठी कांग्रेस के झूठे वादे, सिंपल सी वेबसाइट। यहाँ पे कहीं पे भी बीजेपी का कोई ऐसा अभियान नहीं है कि बीजेपी वाले ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे आराम से आप एक गाना देते हो जो कि लोगों को अगेन अच्छा लगे, 1 मिनट का छोटा सा गाना है। इस बात को याद रखना, करप्शन नाथ, आप YouTube पे भी ये देख सकते हो, सुनिए। जागते रहो। अरे चौकीदार, दफ्तर है या सरकारी, यहाँ काम होता है भारी, यहाँ कौन सो रहा है भला? भैया पिछले एमपी चुनाव में सब सो ही तो गए थे एक साथ, तभी तो 15 महीने में 15,000 करोड़ लूट गया था करप्शन नाथ। सही बोले भैया, ट्रांसफर इंडस्ट्री से ना इंसान बच पाए थे ना जानवर, अरे अपनी जेबें भरने के लिए कर दिए थे कुत्तों तक के ट्रांसफर। बोला था देगा हमें फ्री का मोबाइल, लेकिन उसमें भी घोटाला करके छीन ली थी हमारी स्माइल। और सुनो भैया, चुनाव से पहले बोला था डालेंगे इंडस्ट्री, पर उसकी जगह छात्रवृत्ति खाकर बनाई घोटालों की नई हिस्ट्री। तभी तो सबको जगा रिया हूँ, इस बार याद रखना जरूर, करप्शन नाथ को रखना है एमपी से दूर। तो भैया जागते रहो। तो आप देखो इसमें कहीं भी बीजेपी का कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, ये बहुत ही न्यूट्रल कैंपेन है जो कि टारगेट भी कर रहा है कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी कहीं भी नहीं आ रही है इसमें। वेबसाइट को देख के आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि बीजेपी का है। गौर से सुनना तुम मेरी बात, सारी चोरी का एक एक करके होगा हिसाब। कुछ कह रही हूँ गौर से सुनना तुम मेरी बात, दिखाता हूँ तुमको कांग्रेस का करप्शन नाथ। सारे ठगी मिल जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, चोर से बड़े महाचोर मिलकर यहाँ सब खा रहे हैं। सारे ठगी मिल जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, चोर से बड़े महाचोर। आई एम श्योर आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा, आपने फ्री टाइम में इस गाने को सुनना। ठीक है, मन में मोदी है,
ये जो पेज है इसको इसका मंथली प्रमोशनल बजट पिछले 3 महीने का हर महीने 23 लाख रुपए खर्च हो गए हैं इसमें, 23 से 24 लाख रुपए। ये जो वेबसाइट है इस पे हर महीने 22-23 लाख रुपए खर्च हो गए हैं इसके प्रमोशन में। तो एक तरफ आप यहाँ डायरेक्ट उनका डेटा जोड़ रहे हो, उन लोगों का जो बीजेपी से जोड़ना चाह रहे हैं डिजिटली, डिजिटल ऑडियंस है, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूट्रल ऑडियंस है आप उनका डेटा ले रहे हो। अलग अलग डेटा सेट्स पे फिर आप अलग अलग कैंपेन्स करोगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ पॉलिटिशियन, आपको वो डेटा बेस तो चाहिए। देखिए यहाँ देखिए, बदलेंगे सरकार बदलेंगे बिहार, अब बिहार में इनका जो कैंपेन चल रहा है अभी, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो भी ये वहाँ के लोगों का ऑनगोइंग बेसिस पर जो भी डिजिटल ऑडियंस, पॉलिटिक्स अब इंडिया में 365 दिन का गेम हो गया, सिर्फ इलेक्शन का गेम नहीं रहा है। तो हर स्टेट में बीजेपी वहाँ के लोगों का, अपने सपोर्टर्स का, या फिर जो हाशिए पे बैठे हैं जिन लोग, जिनको पता नहीं है वो किस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और छोटू से एक अपने को अवेयर सिटीज़न समझते हैं, उनका डेटाबेस कलेक्ट करने का काम बीजेपी यहाँ से कर रही है, ठीक है। आप सब, जब लोगों का डेटाबेस आपके पास होगा उसके बाद ही आप वहाँ पे कैंपेन चला सकते हो। तो ये बिहार में चल रहा है, आप भी इस अभियान से जुड़ें। इतने लोग ने प्रण ले लिया है, 2,29,000 लोगों ने। अब देखिए सिंपल सा फॉर्मेट है, बदलेंगे सरकार बदलेंगे बिहार, इसमें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, ठीक है, अभियान गान है आप इसका, और समझो, समझने वाली बात है। अब ये देखो कितना सिंपल सा है, इसमें भी देखो ये जो गाना है, आप इस गाने को सुनो। जंगल राज से है लाचार, बुद्ध की धरती हमारी, जंगल राज से है लाचार, ठगबंधन सब लूटल इनके, जनता करे पुकार, ठगबंधन सब लूटल इनके, जनता करे पुकार। अब बदलेंगे सरकार भैया, बदलेंगे बिहार, अब बदलेंगे सरकार भैया, बदलेंगे बिहार। तो आपको लोगों का एक डेटा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे लोग जो हाशिए पे बैठे हैं, जो कि कोई प्रो पार्टी नहीं है आज के डेट में, वो किधर भी जा सकते हैं, लेकिन वो खुद को डिजिटली अवेयर सिटीज़न मानते हैं और वो हर समय सर्च वगैरह कर रहे होते हैं कि कहाँ पे मतलब कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो डेटा तो मिल ही जाता है। अब आपको जब एक बार वो डाटा मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप उस पर कैंपेन चलाना शुरू करते हैं। अब ये देखो, ये जो तेलंगाना में इनका कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन में इन्होंने यहाँ बीजेपी तेलंगाना का वेबसाइट डाल दिया है, फेसबुक पेज डाल दिया है, जिससे पता चल रहा है कि ये बीजेपी का कैंपेन है, नहीं तो अदरवाइज बाकियों में नहीं पता चल रहा है। अब ये तो खैर मोदी जी का ही है तो डेफिनेटली इसमें पता चलेगा, लेकिन कौन चला रहा है अगेन, ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता चलेंगी। और ये जो एमपी के मन में मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार, ये सब तो बीजेपी के डायरेक्ट ये तीनों हैं, लेकिन आप बाकी के बिहार में जाओ, बिहार में एकदम ही नहीं पता चल रहा है ये कौन चला रहा है पेज। ये देखो यहाँ पे एकदम ही नहीं पता चल रहा है कौन चला रहा है छत्तीसगढ़ में ये पेज, कहीं भी आप पूरे वेबसाइट पे चले जाओ, हाँ यहाँ पे आ रहा है छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी, यहाँ मोदी की गारंटी आ रही है, ठीक है। करप्शन नाथ में आप आओ, करप्शन नाथ में देखो यहाँ नहीं पता चल रहा है कौन चला रहा है, और कार बदलेंगे बिहार। अभी इस कैंपेन पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है, ये 5 लाख रुपए पर मंथ का इसका बजट है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे जैसे इलेक्शन आएगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस वेबसाइट का बजट आराम से 20 लाख 25 लाख रुपए पर मंथ पे चला जाएगा लास्ट के 3-4 महीने में। तो अब आप देखो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, डिजिटल स्ट्रैटेजी क्या, आप अपने एज अ पार्टी, अगर आप पार्टी चला रहे हो या एज अ कैंडिडेट, आप अपने डिजिटली ऑडियंस का डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हो। एक चीज़ समझने वाली है कि सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अपने कैंपेन्स को डिजिटल ऑडियंस के बीच में प्रमोट करें, हम फेसबुक पे प्रमोट करें, हम यूट्यूब पे प्रमोट करें, ये एक पार्ट है कोई भी प्रमोशन का। जब भी हम कैंपेन की बात करते हैं तो कैंपेन के लिए एक स्टेप पहले हमें लोगों का डेटा चाहिए जिन्हें अपने साथ जोड़ना है, जो कल के डेट में हमारे वोटर बनेंगे। तो अभी मैंने आपसे जो पेजेस की बात करी, अभी जो मैंने आपसे डिजिटल स्ट्रेटजी की बात करी, जिसको बीजेपी एग्रेसिवली फेसबुक पे प्रमोट कर रही है, ये सारे वो पेजेस हैं जिसके माध्यम से वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्ट होगा, एक बार जब कलेक्ट होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उस पर कैंपेन करना। तो ये डेटा कलेक्शन ड्राइव है इनकी, हर स्टेट में अलग अलग। अब अगला
आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि कुछ पेजेस में आपने देखा कि बीजेपी नीचे में डिक्लेयर कर देगी, आपको पता चल जा रहा है कि ये बीजेपी रन पेजेस हैं। कुछ पेजेस में आपको पता नहीं चल रहा है कि ये बीजेपी रन पेजेस हैं या नहीं है, कौन चला रहा है, कोई भी चला रहा हो सकता है। तो किस केसेस में आप ये बताना चाहोगे कि किस केसेस में बीजेपी रादर ये डिक्लेयर कर रही है कि बीजेपी रन पेजेस हैं, और किस केसेस में नहीं डिक्लेयर कर रही है? तो एक ये सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब दें इसका। और सेकंड, अगर आपको इस वीडियो से आपने कुछ सीखा डिजिटल स्ट्रैटेजी में, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइए। ये वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो पॉलिटिक्स में हैं और जो अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, पार्टी संगठन के लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बिकॉज मेरा ये एक इंटेंशन रहता है कि मैं अपने वीडियोज़ कमेंट्स के बेसिस पे बनाता हूँ, जो भी मैक्सिमम आपको वैल्यू मिले और जेन्युइन क्वेश्चंस के हम आंसर दें, ये मेरा कंप्लीट इंटेंशन रहता है। तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली अपना जो भी क्वेश्चंस है वो बताइए।